हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं डॉक्टर शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने क्लासरूम में। होपफुली आप लोग भी सभी सही होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने मॉर्निंग शिफ्ट में स्टार्ट कर चुके हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का आज हमारा जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। पहले मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमने बताया क्या? सेक्शन नंबर 1 नेम एक्सटेंड कमेंसमेंट, सेक्शन नंबर 2 विच इज रिपील, सेक्शन नंबर 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में मैं टोटल नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन में आपको बता रही हूँ 7। इसमें किसी तरीके की नंबरिंग नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको इंटरप्रिटेशन के कुछ 7 वर्ड्स ऐसे जिनका इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है वो किस तरीके से ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में यूज़ होंगे वो चीज़ यहाँ बताई है। जिसमें मैं आप लोगों को इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन या नहीं इंटरप्रिटेशन बता चुकी हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताने वाली हूँ। अब मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें मैंने 3 चीज़ आपको बताई थी। ठीक है, खड़ा घास, उगती फसलें, घास, ये तीनों को इन्होंने बताया कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसको मैंने विद द एग्जांपल विद द केस लॉ मैंने आप लोगों को कब पढ़ा दिया था। होपफुली आप लोगों को रिमाइंड होगा, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होगा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन नंबर 2 की। और 2 क्या कहता है? इंस्ट्रूमेंट यानी कि आवश्यकता। ठीक है, देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जैसे कि मैंने आपको इंट्रो बताते समय ही आपको बताया था ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, ये कैसा एक्ट है जिसमें अलाइव पर्सन के द्वारा अलाइव पर्सन को ही ट्रांसफर किया जा रहा है। नंबर 1, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ट्रांजेक्शन की गई है, लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कही है। ठीक है, नंबर 3 इसने बताया कि जैसे ये जो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा, ये चीज़ इन्होंने इसको बताई। ठीक है, तो आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट आवश्यक, यानी कि जो आवश्यक लिखित होगी वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो इन्होंने सेकंड डेफिनेशन बताई इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट भी इन्होंने बताया द इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड नॉन टेस्टिमरी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे एक ऐसे लिखित को समझा जाएगा जो नॉन टेस्टिमरी होगा, यानी कि जो कि आवश्यक लिखित होगा वही यहाँ पे माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। वॉट इज इंस्ट्रूमेंट? इट इज़ अ डीड इन राइटिंग। वॉट इज इंस्ट्रूमेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्ट्रूमेंट यानी कि लिखित क्या होता है, तो वो एक ऐसा लिखित होता है यानी कि ऐसी डीड होती है जो कि लिखित में होती है। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला कि देखिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टेस्टिमरी और टेस्टिमरी इंस्ट्रूमेंट और नॉन टेस्टिमरी इंस्ट्रूमेंट, लेकिन यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? टेस्टिमनी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। ओके, सॉरी, यहाँ जो यूज हो रहे हैं वो नॉन टेस्टिमनी इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। क्या होगा? आवश्यक लिखित यूज की जाएगी इसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो क्या कहता है हमारा सेकंड इंटरप्रिटेशन? वो इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट टेस्टिमनी इंस्ट्रूमेंट। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में बताया था अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अटेस्टेशन की इन्होंने डेफिनेशन बताई यहाँ पे कि अटेस्टेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया डॉक्यूमेंट अटैच बाय द टू एटलीस्ट सॉरी इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय 2 अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट। ठीक है, कितने होने चाहिए? इन्होंने बताया कि 2 ऐसे होने चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए जो कि इसको अटेस्ट करें। अब इन्होंने कहा कि अब जो अटेस्टेड होंगे वो कैसे विटनेस होंगे? तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जो अटेस्टिंग विटनेस वही अटेस्टिंग विटनेस कहलाएंगे जिन्होंने एग्जीक्यूटर को जो उस डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहा है उसको लिखते हुए देखा हो, साइन करते हुए देखा हो और सील लगाते हुए देखा हो। मीन्स 2 विटनेस, एटलीस्ट 2 विटनेस ऐसे होने चाहिए जिसने एग्जीक्यूटर को, जिसने जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करते हुए, अटेस्टिंग करते हुए और मतलब साइन करते हुए, सील करते हुए उसको देखा हो, तो वो 2 विटनेस ऐसे होंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे साथ ही ये बताया कि जो विटनेस होंगे, जो अटेस्टिंग विटनेस होंगे वो यहाँ पे एट द सेम टाइम प्रेजेंट हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है।
समझ में आया? मतलब ये कहा कि जब विटनेस की जरूरत पड़ती है, जब विटनेस आते हैं तो वो अटेस्टिंग कराने वाले जो विटनेस आते हैं उन विटनेस को ऐसा नहीं है कंपलसरी कि वो आए और आकर एक साथ उस चीज़ को अटेस्ट करें। इज दैट क्लियर? दोनों का साथ में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, Y1 भी वो अटेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इन्होंने ये बताया, लेकिन उन्होंने साथ ही ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि वो दोनों ही विटनेस ऐसे विटनेस होने चाहिए कि उन्होंने उस वसीयत को, उस डॉक्यूमेंट को तैयार करते हुए देखा हो, उन्होंने एग्जीक्यूट करते हुए देखा हो। ठीक है, यानी कि हेयर से नहीं चलता यहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने देखा हो प्रेजेंट में, उन्होंने अपनी आंखों के द्वारा देखा हो, ओरली यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, ओरल एविडेंस की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इन्होंने ये चीज़ क्लियर करने को कही। तो साथ में इसके एक केस हम बता देते, केस है यहाँ पे रोकड़ चंद्र वर्सेस श्रीमती राजेश्वरी देवी। क्या? रोकड़ चंद्र वर्सेस श्रीमती राजेश्वरी देवी एक केस है। इसमें इन्होंने बताया कि जो अटेस्टिंग करने वाला विटनेस होगा, जो विटनेस होगा वो उसको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से सील और साइन और किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, इस केस में बताया गया है कि जो विटनेस होगा वो विटनेस के लिए एटलीस्ट ये होना चाहिए कि उसने उसको साइन करते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए देखा हो। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया आपको अटेस्टेशन कैसे होता है? मैक्सिमम एटलीस्ट टू विटनेस कब होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए कब, एग्जीक्यूशन के समय पे, और वो दोनों और ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। मीन्स अगर ये साइन कर रहा है, मीन्स मान लीजिए टू विटनेस है, ए और बी विटनेस हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जब ये साइन कर रहा हो तो ये वाला प्रेजेंट हो, यानी कि ए साइन करते समय बी प्रेजेंट हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जब बी साइन कर रहा हो तो ए प्रेजेंट हो। इज दैट क्लियर? यहाँ पे इन दोनों की उपस्थिति एक साथ जरूरी नहीं है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन की। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड क्या होता है? देखिए, रजिस्टर्ड क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं कराओगे, जब तक आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराओगे, जब तक आप उसको कहते हैं ना कि लीगली उस चीज़ को कार्य नहीं करोगे, तब तक वो आपका डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। कैसा डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा? लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। रजिस्टर कराओगे तभी तो आपकी नोटिस में आएगा, तभी तो सबके नोटिस में आएगा, और नोटिस जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट डेफिनेशन में, ठीक है, सॉरी इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड में क्या होगा? द लॉ इन्फोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ओके, रजिस्टर में कौन सा रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा? 1908 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट को, डीड को रजिस्टर्ड कराया है तो वो लीगल डीड बन जाएगी, वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की, अरे यार सॉरी, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। याद रखिएगा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किस सेक्शन के अंदर डेफिनेशन दी हुई है, तो आप कहेंगे किसी के अंदर नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो डेफिनेशन नहीं दी, वहाँ जो दिया है वो क्या है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज और हमने कहाँ देखे थे? वो हमने देखे थे एविडेंस एक्ट के अंदर, और वहाँ भी हमने कहाँ पढ़े थे? सेक्शन नंबर 3 में। तो याद रखने का अच्छा तरीका है सेक्शन नंबर 3 EBI में और सेक्शन नंबर 3 PPA में। दोनों में क्या दिया हुआ है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, विच इज अटैच टू अर्थ, यानी कि जो चीज़ें भूबद्ध हैं। भूबद्ध चीज़ें कौन सी होंगी? तो इन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन बताया कि इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड होगा इसमें? तो इन्होंने तीन चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई। पहली इन्होंने बताई रूटेड टू अर्थ, यानी कि जो जमीन से जकड़ी हुई हो, रूटेड हो, मीन्स सच एज ट्रीज, यानी कि पेड़ पौधे हो सकते हैं, झाड़ियाँ यानी कि श्रब हो सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये एक कैसी चीज़ होगी? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्या होगी जी? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है,
ये कैसी प्रॉपर्टी होगी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। क्यों होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी? क्योंकि एम्बेडेड टू अर्थ है वो, क्या है, रूटेड टू अर्थ है, सॉरी रूटेड टू अर्थ है, तो क्या होगी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। जैसे आम का पेड़, आम का पेड़ क्या होता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन साथ ही मैंने जब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो बताया था कि आम का वृक्ष इमूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके का है। क्यों है? क्योंकि उसके जो फल होंगे वो तोड़ के ले जाए जाते हैं तो वो क्या होगा, मूवेबल हो गया। लेकिन उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो काट दी जाती हैं, काटने से क्या होता है, वो यूज़ की जाती हैं, तो क्या हो गया, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन वो जमीन से जकड़ी हुई है, रबी में रूटेड है, तो क्या कहलाएगी वो, हमारी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ क्या है, जमीन में से निकल के आ रही होती हैं, तो वो भी क्या होती है, हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि एम्बेडेड टू अर्थ, जो कि एम्बेडेड है, जो कि लगी हुई है, किस लगाई गई है, लगी हुई है किसमें, जमीन में लगी हुई है। तो क्या हो सकता है, जैसे वॉल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है। अब आपने देखा होगा ना, जब कोई मकान बनने, एक प्लॉट पड़ा हुआ है और प्लॉट में कोई मकान बनने वाला होता है, तो कहते हैं ना उसकी नींव रखी जा रही है, तो वो नींव कहाँ होती है, वो जमीन के अंदर होती है ना, वो नींव कहाँ रखी जाती है, वो जमीन के अंदर रखी जाती है। तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा एम्बेडेड टू अर्थ, यानी कि वो जमीन से जकड़ी हुई है। कोई भी बिल्डिंग खड़ी करी जाएगी तो पहले उसका बनाया जाता है बेसमेंट, बेसमेंट के नीचे से वो तबाही करने के लिए ईंटें लगाई जाती हैं, वहाँ पे गिट्टे डाली जाती हैं, सरिया लगाई जाती है, जो भी वो चीज़ यूज़ करते हैं। मैं नहीं हूँ बनाने वाली तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एम्बेडेड करते हैं। एम्बेडेड कैसे करते हैं, वो जमीन के अंदर से उसे निकालते हैं। ठीक है, तो जमीन को खोदा जाता है, फिर उसमें लगाया जाता है, तो वो क्या होता है, एम्बेडेड कर दिया गया है उसमें। ठीक है, तो क्या होता है, एम्बेडेड टू अर्थ सच एज वॉल, बिल्डिंग, बिल्डिंग जो खड़ी करी जा रही है वो भी इसमें यूज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने थर्ड नंबर बताया कि बाउंडेड टू एम्बेडेड, यानी कि बाउंड करने वाली जो चीज़ होती है एम्बेडेड को, वो क्या होती है, वो हमारी कैसी, जैसे फॉर एनी यूज, की मान लीजिए हमने बाउंड तो कर दिया उसे, एम्बेडेड तो कर दिया उसे, लेकिन वो हमारे किस लिए काम आने वाली है, वो हमारे काम आने वाली है यूज़ के लिए, जिनका हम बेनिफिट ले सकेंगे। तो कैसी होंगी, जैसे मान लीजिए शाल का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, बाउंडेड टू एम्बेडेड होते हैं। कैसे, देखिए क्या होता है, जैसे वो पेड़ है तो उसको काट के हम जब निकाल के लाएंगे लकड़ियाँ, तो हमारे दरवाजे बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, और हमारे क्या, हमारी खिड़कियाँ बनाने के लिए जो यूज़ होंगी वो क्या होंगी, क्या हो जाती है, वो बाउंडेड टू एम्बेडेड होती है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को, बाउंडेड टू एम्बेडेड कैसी होगी, अब एम्बेडेड टू अर्थ कैसे होगी, और रूटेड टू अर्थ कैसे। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब कहलाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी कहलाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या कहता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हमने पहला पढ़ा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नॉन टेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या, वो होते हैं हमारे टीपीए में यूज़। उसके बाद उन्होंने अटेस्टेशन, अटेस्टेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि अटेस्टेशन करते समय कितने विटनेस की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है, मिनिमम 2 विटनेस। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर एम्बेडेड करते समय अगर ये पूछा जाता है कि आपकी जब जब प्रॉपर्टी का, जब डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उस समय पे कितने कितने एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो कितने विटनेस की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने बोला कि 2 विटनेस की ज़रूरत होती है। क्या दोनों विटनेस साथ में होना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं, साथ में होना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग टाइम पे भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा, कौन सा, 1908 वाला। उसके बाद उन्होंने अटैच टू आर्ट, यानी कि इंक्लूड अटैच टू आर्ट में उन्होंने 3 चीज़ें बताई, कौन कौन सी बताई, पहले उन्होंने रूटेड टू अर्थ, सेकेंड उन्होंने बताई एम्बेडेड टू अर्थ, और थर्ड उन्होंने बताई बाउंडेड टू एम्बेडेड। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, तो आज का टॉपिक हम करते हैं यहाँ पे खत्म, क्योंकि हम करने वाले हैं कल अपना टॉपिक एक्शनेबल क्लेम और नोटिस। एक्शनेबल क्लेम वेरी इंपॉर्टेंट, नोटिस वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के आइएगा, फिर वैसे पढ़िएगा, अगर कुछ कमी लगती है तो क्वेश्चन पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, साथ ही आप सब बड़ों का सम्मान कीजिए और सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच।